आए गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं पालक का थेपला बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं गैस में कढ़ाई गरम कर रही हूँ, उसमें तेल डाल दी हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले हम जीरा डालते हैं। एक चम्मच जीरा है, 6-7 लहसुन की करी है और 1/4 चम्मच हींग है। हींग डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और पाचन के लिए भी अच्छा होता है। और एक आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको हम मोटा मोटे काट के डाल रहे हैं। और एक छोटी प्याज है, उसको काट के डाल रहे हैं। 2 मिर्च है, उसको हरा मिर्च, इसको लंबे लंबे काट लिए हैं और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसको हल्का से फ्राई करना है, एकदम नहीं भूनना है। ये हल्का से सॉफ्ट हो गया है, इसमें अब हम मसाला डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। इसको भी थोड़ा सा हम चम्मच चला देते हैं। ये 3 कटोरी पालक है, इसको हम अच्छे से धो लिए हैं 3-4 बार और इसको बारीक बारीक काट लिए हैं और इसको हम डाल रहे हैं और अच्छा से हम मिला देते हैं। आंच थोड़ा मध्यम रखेंगे क्योंकि पालक से बहुत पानी निकलता है। आधा चम्मच अजवाइन है और 1/2 चम्मच सोप पाउडर है। 1/2 चम्मच नमक है स्वाद के अनुसार। पानी सूखते तक हम इसको भून लेते हैं। पानी सुखाने के लिए हम थोड़ा आंच को तेज कर देते हैं। पालक का पानी एकदम सूख गया है, अब हम गैस बंद करते हैं और अलग से ठंडा करने रख देते हैं, फिर पीस देंगे इसको। थेपला के लिए हम आटा गूंथ लेते हैं। 1 कटोरी गेहूं का आटा है और 1/2 कटोरी बेसन है और जो हम पीसे हैं पालक को, ये इसको डाल देते हैं। और 2 बड़ी चम्मच हम दही डाल रहे हैं। हमको इसको गूंथने के लिए आटा का पानी का यूज नहीं करना है, इसी से ही गूंथना है। और ना एकदम कड़ा गूंथना है ना एकदम टाइट, बिल्कुल रोटी के जैसे हमको गूंथना है। 2 चम्मच हम गेहूं का आटा और डाल रहे हैं, थोड़ा गीला लग रहा है इसके, और फिर अच्छा से मिला के हम टाइट आटा गूंथ लेते हैं। आटा हमारा गूंथा गया है, इसमें हम 1 चम्मच तेल ले रहे हैं और थोड़ा मिला के और मसल देते हैं। आटा हमारा गूंथ के तैयार है। ऐसे आटा होना चाहिए, ना ज़्यादा कड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। और इसको हम 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं ढक के। 20 मिनट करीब हो गया है, इसको हम एक बार और अच्छा से थोड़ा सा मसल लेंगे और हम छोटी छोटी लोई लेंगे इतना बड़ा बड़ा और हम बेल देते हैं। ऐसे हम लोई ले लेंगे छोटा छोटा,
और इसको हम आटा से ऐसे लगाएंगे और फिर हम ऐसे बेलेंगे। पतला बेलना है, मोटा नहीं रखना है। हम ऐसे बेलेंगे, इतना पतला हमारा थेपला ऐसे होना चाहिए, इससे मोटा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम डाल देते हैं और दूसरा फिर से फिर बेलते हैं। तावा हमारा गर्म हो गया है, इसको हम डाल देते हैं और मध्यम आंच से ही सेकेंगे। इसमें हम घी लगा देते हैं। फिर इधर भी पलट के घी लगा देते हैं। ये पतला है करके जल्दी सीख जाता है। मस्त इसका फ्लेवर आ रहा है, पालक का सुंदर दिख रहा है। हमारा ये एक ठो ये निकल हो गया है, दोनों तरफ सीख गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरा डालते हैं। इसी तरह हम सारे थेपला को बना लेंगे। हमारा थेपला बनके तैयार है। बहुत सॉफ्ट और बहुत पतला पतला बना है और इसको दही के साथ या रायता, इसमें रायता के साथ खा सकते हैं। इसको 2-3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, सफ़र में जा रहे हैं तब ले जा सकते हैं। बनाने में एकदम आसान है, बहुत जल्दी सीखता है और स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू यम्मी।